हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्लास 12th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। जब बहुत पहले की अगर हम बात करें, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम मिनटों में, क्या कुछ सेकेंड में ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे को अपने विचार दे देते हैं, अपने बातचीत हम कर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ भेजना हो, कुछ पिक्चर भेजना हो, हम आसानी से सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बन गए हैं जिनके थ्रू हम बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे पहले के जो लोग होते थे वो अपनी सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लेते थे। कभी कोई आवाज़ निकाल के अपने साथी को बुलाता था। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे पिक्चर्स होते हैं, फिल्में होती हैं जिसमें जब किसी को कम्युनिकेट करना होता है, किसी को बुलाना होता है, तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकाल के बुलाते थे। कुछ संदेश भेजना हो तो पशु पक्षियों का भी सहारा लिया जाता है, कबूतर का सहारा लिया जाता था, बंदरों का सहारा लिया जाता था। कई प्रकार से कम्युनिकेशन को करने के लिए हम पशु पक्षियों का भी क्या करते थे, सहारा लेते थे। फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी हम पोस्ट करने लगे, डाक के द्वारा हम अपनी सूचनाओं को प्रेषित करने लगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत लंबा समय लेता है। डाक के माध्यम से जो हम संदेश भेजते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसमें इतना समय लग जाता है, लगभग 10 से 15 दिन। तो सूचनाओं को प्रेषित करने में और प्राप्तकर्ता को प्राप्त करने में, रिसीव करने में काफ़ी समय लग जाता था। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये तो था पुराने जमाने में, पुराने समय में जो कम्युनिकेशन होता था उस समय इस तरह के प्रोसेस किए जाते थे। जैसे कहीं पे कोई आपदा आने वाली हो, कोई छोटा सा गांव हो, वहाँ तो आजकल तो हमें सब पता चल जाता है, कहीं पे बाढ़ आने वाला हो हमें रेड अलर्ट पहले ही भेज दिया जाता है और वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन पुराने समय में लोगों को कैसे पता चलता था कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली, कोई आपदा आने वाली? तो होता क्या था, जैसे कोई छोटा सा गाँव हो गया आसपास, अगर किसी को खबर हो गई कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आने वाला है या यहाँ पे आग लग गई है, तो लोग क्या करते थे, या एक राज्य से दूसरे राज्य में आक्रमण होने वाला है, तो वहाँ लोग क्या करते थे, मंदिर में चले जाते थे। किसी को भी अगर इस बात की भनक लग गई है, किसी को भी जानकारी मिल जाती थी, तो वो क्या करता था, सीधे मंदिर में चला जाता था और बड़ा सा मंदिर का जो घंटा होता था वो उसे लंबे समय तक बजाता था, जिससे लोगों को ये समझ में आ जाता था कि हमारे ऊपर कोई संकट है या कोई समस्या आने वाली है। इसी तरह से जब एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था या एक देश दूसरे देश पे जब आक्रमण करता था, तब क्या किया जाता था, तब बड़े बड़े ढोल रखे जाते थे और उस ढोल को बहुत जोर जोर से पीटा जाता था, जिससे लोगों को ये समझ में आ जाता था, उस गांव के लोगों को, उस राज्य के लोगों को समझ में आ जाता था कि आक्रमण या फिर कोई खतरा आने वाला है, जिससे लोग जो है वो सावधान और सतर्क हो जाते थे। ये तो बहुत पहले ज़माने की बात है जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी और टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार हुआ नहीं था जितने आज हो चुके हैं। तो आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे आप सभी को मालूम है, आज हम मोबाइल से बात करते हैं, एक कंप्यूटर से हम दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं, ये सारे क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। टेलीविज़न हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी भी क्या एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन ही है। लेकिन अगर हम बात करें पहले लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं सामने, मेरे सामने कोई खड़ा है, अगर मैं उससे कम्युनिकेट करूँ, मैं उससे बात करूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, मैं क्या हो गई, ट्रांसमिट कर रही हूँ, मेरी आवाज़ जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड एनर्जी है, जो साउंड वेव है, और जिस व्यक्ति तक वो पहुँच रहा है, जो मेरे सामने खड़ा है उस व्यक्ति तक ये पहुँच रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसमीटर का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से जो व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहा है, वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति हो गया रिसीवर, और मेरी आवाज़ जो है जिस व्यक्ति के पास जा रही है, जिस माध्यम से जा रही है, उस माध्यम को हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो इस तरह से कम्युनिकेट करने के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करने के मेनली हम थ्री पार्ट्स में हम इसे समझ सकते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल, और थर्ड जो होता है वो होता है रिसीवर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने कोई भी मैसेज सिग्नल दिया, मैसेज सिग्नल हो सकता है ये साउंड एनर्जी के फॉर्म पे हो, साउंड सिग्नल हो सकता है ये पिक्चर के फॉर्म पे हो, हम कोई इमेज एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करना चाह रहे हो सकता है। हम जनरली साउंड जो है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात करके ही समझा देते हैं, तो हम इसे साउंड वेव या साउंड सिग्नल के फॉर्म पे ही लेके समझते हैं। तो जो साउंड सिग्नल है या जो मैसेज सिग्नल है हमारा, ये ट्रांसमीटर में गया,
ट्रांसमीटर में यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसमीटर उसे कहाँ भेजता है, कम्युनिकेशन चैनल पे, और इस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से वो पहुँच जाता है रिसीवर के पास। तो इस तरह से मेनली थ्री पार्ट्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हम किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पर्सन टू अदर पर्सन, वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, मान लीजिए हमारे पास दो पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे है, दूसरा पर्सन यहाँ पे है। इस पर्सन ने कुछ कहा, साउंड एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हुई, कुछ आवाज़ यहाँ से निकली, और इस पर्सन ने उसे क्या किया? सुना। तो इस पर्सन ने कुछ कहा, सपोज मान लीजिए इसने हेलो कहा, है ना, इस पर्सन ने क्या कहा? हेलो कहा। अब ये हेलो जो है ये दूसरे पर्सन ने सुना, ये दोनों आमने सामने हैं, तो होगा क्या, ये कुछ ही दूरी पे स्थित है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, ये रिसीवर का काम कर रहा है, क्योंकि ये सुन रहा है और ये भेज रहा है, और यहाँ पे बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रहा है, ये जो साउंड एनर्जी है, ये जो साउंड सिग्नल है, साउंड वेव है, वो किस माध्यम से प्रोपोगेट हो रहा है, किस माध्यम से संचरित हो रहा है? तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन चैनल की बात करें, तो कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रहा है एयर, साउंड एनर्जी को प्रोपोगेट होने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो माध्यम क्या है? एयर है, वायु है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ इस तरह से खेल खेलते हैं कि उन्होंने माचिस की डिब्बी पकड़ते हैं, माचिस की डिब्बी को क्या करते थे, एक बच्चा जो है वो अपने मुंह के पास लगाता था, यहाँ से एक धागा बांध के एक माचिस की डिब्बी दूसरा बच्चा क्या करता था, उसे अपने कान पे लगाता था। एक दो बच्चे होते थे वो खेलने के लिए क्या करते थे, माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं उस डिब्बिया को क्या करता था, एक बच्चा जो है अपने मुँह के पास रखता था, वहाँ से कुछ वो बोलता था और वहाँ से एक धागा उन्होंने बांध रखा है, और वो धागे का कनेक्शन किससे है, दूसरे माचिस की डिब्बी से है, जिसे वो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसने अपने कान पे लगाया है। तो इस तरह से ये बोलने वाला व्यक्ति अगर यहाँ से मान लीजिए हेलो बोलता है, तो ये हेलो जो है ये वाला जो पर्सन है या ये वाला जो बच्चा है वो सुन लेता है। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है जो हेलो बोल रहा है वो ट्रांसमीटर हुआ। इसी तरह से ये जो बच्चा है जो सुन रहा है, जिसे जिसने माचिस की डिब्बी को अपने कान के पास लगाया हुआ है, ये हो गया रिसीवर। लेकिन ये जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस समय, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ये धागा। इन दोनों माचिस की डिब्बी को किसने बांध रखा है? धागा ने। तो यहाँ से जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड एनर्जी इस धागे के माध्यम से इस बच्चे के पास क्या हो रही है? पहुंच रही है। और इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल काम जो कर रहा है वो धागा कर रहा है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें कोई वायर नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वायर के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जब हमने इससे पहले देखा, दो लोग आमने सामने खड़े, वहाँ भी जो साउंड एनर्जी है वो प्रोपोगेट हो रहा है किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से। एयर के मीडियम के कारण वो क्या हो रहा है? प्रोपोगेट हो रहा है साउंड एनर्जी। लेकिन अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो बिना तार के हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने पढ़ा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसे प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? फ्री स्पेस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, उसके बीच जो कम्युनिकेशन चैनल का काम करेगा वो कौन सा करेगा? फ्री स्पेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। फ्री स्पेस इट मीन्स देखिए, यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे यहाँ से हम सिग्नल भेजते, जैसे मान लीजिए हमने अपने मोबाइल से हमने किसी को फोन लगाया, हमने यहाँ से बोला हेलो, और सामने वाले व्यक्ति ने उसे सुन लिया। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हम ट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं, जो सुन रहा है वो रिसीवर का काम कर रहा है, और इस बीच हमारा जो साउंड है वो जा रहा है जिस व्यक्ति के पास, रिसीवर के पास। तो इस बीच कोई कनेक्शन तो है नहीं, कोई वायर तो है नहीं। तो ये जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स हैं, वो किसके माध्यम से जा रहे हैं? फ्री स्पेस के माध्यम से जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से क्या हो रहे हैं? प्रोपोगेट हो रहे हैं, संचरित हो रहे हैं। तो इस तरह से हम रेडियो सिग्नल्स भेजकर भी क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को
रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने इस बोर्ड पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। ये ब्लॉक डायग्राम है जो कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में मेनली हमने 3 पार्ट्स रखे, ट्रांसमिटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर। ये है मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल साउंड वेव के फॉर्म पे भी हो सकता है, साउंड सिग्नल के फॉर्म पे भी हो सकता है, और पिक्चर भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम इसे साउंड सिग्नल के रूप में लेके पढ़े तो हम इसे देखते हैं कि यहाँ से हमने साउंड सिग्नल दिया। ये साउंड सिग्नल जो है वो एक डिवाइस के द्वारा, अभी हम बात करेंगे उस डिवाइस को क्या कहते हैं, ये मैसेज सिग्नल जो है उस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो तो साउंड सिग्नल है ना, ये साउंड सिग्नल डायरेक्टली रिसीवर के पास नहीं पहुंच सकता, उसे क्या किया जाता है, वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वेव्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैसेज सिग्नल है इस मैसेज सिग्नल को या साउंड वेव को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युतीय सिग्नल में से परिवर्तित किया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ चला जाता है, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में जाने के बाद वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये भेजा जाता है कहाँ, कम्युनिकेशन चैनल में विथ वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से, क्योंकि ये पूरा फ्री स्पेस है। रेडियो सिग्नल्स जो भेजे जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोपोगेट होगा, वो फ्री स्पेस पे हो रहा है, और इस तरह से उस वेव के माध्यम से ये रिसीवर तक पहुंचा, और रिसीवर में भी क्या होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद जो हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीवर के माध्यम से फिर से साउंड एनर्जी में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे सुन पाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं ये हमारी साउंड वेव के फॉर्म पे, साउंड एनर्जी के फॉर्म पे, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ये जो मैसेज सिग्नल है किसी डिवाइस के हेल्प से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो डिवाइस ऐसा है कौन सा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी को, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें रिसीवर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, और रिसीवर क्या करता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड सिग्नल में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा डिवाइस है, तो ऐसे डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ट्रांसड्यूसर में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, स्पीकर, ये सारे जो डिवाइस है ये आपके ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है, जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसड्यूसर उस युक्ति को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे साउंड सिग्नल, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सेम एज अगर हम रिसीवर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं वो हम भेजते हैं माइक्रोफोन के माध्यम से। तो जैसे माइक्रोफोन का अगर हम यूज़ करें तो माइक्रोफोन भी क्या है, ट्रांसड्यूसर का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जो माइक्रोफोन है ये क्या करता है, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर क्या करेगा, जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग स्कूल्स में या किसी फंक्शन पे माइक का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें कुछ बोलना रहता है, जब हम असेंबली में कुछ बोलते हैं तो उस असेंबली में, जैसे मान लीजिए हम प्रेयर कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, माइक पकड़ते हैं, माइक से हम प्रेयर करते हैं। अब वहाँ पे हमारी जो आवाज़ है वो बहुत स्पीड, बहुत ज़्यादा लाउडली आती है, बहुत ज़्यादा तेज आती है। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम माइक का कनेक्शन कहाँ से करते हैं, करंट से करते हैं, हम माइक में क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जो करंट आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे आ रही है। और जैसे ही हम माइक से कुछ बोलते हैं या प्रेयर कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो साउंड सिग्नल जो है जब हमें मिलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड सिग्नल में या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे डिवाइस को, ऐसी युक्ति को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर देता है। मोस्टली हम यहाँ पे माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर का ही प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन जो है वो
साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाउड स्पीकर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से ये जो हमारे पास डिवाइस है, इस डिवाइस को क्या कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर की। ट्रांसमीटर में ऐसा क्या होता है जो इसे ट्रांसमिट कर देता है और कम्युनिकेशन चैनल तक पहुंचा देता है, और रिसीवर में ऐसा क्या कार्य होता है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं। तो ट्रांसमीटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और रिसीवर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। रिसीवर को बोला जाता है अभिग्राही या ग्राही। रिसीवर को हिंदी में कहा जाता है अभिग्राही। और जो कम्युनिकेशन चैनल है इसे कम्युनिकेशन चैनल या संचार चैनल के नाम से भी हम जानते हैं, संचार चैनल। और ये जो ट्रांसमीटर है इसे कहा जाता है प्रेषित्र। जो प्रेषित करता है, जो भेजता है सिग्नल, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेषित्र कहते हैं। तो इस तरह से ट्रांसमीटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और रिसीवर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसे इस नीचे वाले डायग्राम में शो किया गया है। देखिए अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर का और रिसीवर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमीटर के बारे में। ट्रांसमीटर में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे देखिए ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। माइक्रोफोन, अभी हमने बात की माइक्रोफोन का काम क्या है। माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे जब एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे एक होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर को कहा जाता है मॉड्यूलर, और ये जुड़ा होता है एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर को कहा जाता है हिंदी में प्रवर्धक। और ये कनेक्शन गया हुआ है कहाँ पे, एक एंटीना के पास। इस एंटीना को कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना या प्रेषित्र एंटीना के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये पूरा का पूरा पार्ट्स जो है ये ट्रांसमीटर कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम रिसीवर की बात करते हैं, तो रिसीवर में भी एक एंटीना होता है जिसे हम कहते हैं रिसीविंग एंटीना, अभिग्राही एंटीना हिंदी में से कहते हैं। और इस एंटीना का कनेक्शन होता है डी मॉड्यूलेटर से, जिसे हिंदी में वी मॉड्यूलक कहा जाता है। और ये वी मॉड्यूलक का कनेक्शन जो है वो एम्पलीफायर से होता है, जिसे हम प्रवर्धक कहते हैं। और एम्पलीफायर का कनेक्शन लाउड स्पीकर से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एंटीना है, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक रिसीविंग एंटीना है। दोनों एंटीना के बीच का जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है, और इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म पे क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो होता है, जिसे ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, और रिसीविंग एंटीना उस सिग्नल को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं पहले क्या होता है। सपोज मान लीजिए ये तो हमने देख लिया, ये हमारा पूरा ट्रांसमिटिंग के पार्ट्स, ट्रांसमीटर के जो पार्ट्स है वो हमने देख लिया, और ये जो हमने पार्ट्स देखे वो किसके हैं, रिसीवर के पार्ट्स हैं। अब अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, वो साउंड के फॉर्म पे होगा। सपोज मान लीजिए हम यहाँ से हेलो बोलते हैं। अब ये हेलो किसी तरह से इस माइक्रोफोन के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोफोन है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह से जैसे ही हमने हेलो कहा, ये हेलो इस माइक्रोफोन की सहायता से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर कहाँ चला जाता है, इस मॉड्यूलेटर में चला जाता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है मॉड्यूलेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मॉड्यूलर। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटर का यूज क्यों किया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल रहा है, ये बहुत वीक सिग्नल होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता कि इसे हम यहाँ से फ्री स्पेस में भेजें तो ये रिसीविंग एंटीना तक पहुँच सके। इसलिए इस लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम उसे ज़्यादा दूरी तक प्रेषित कर सकें, उसकी एनर्जी को बढ़ा सकें। ये जो सिग्नल है ये हमारा बेसिक सिग्नल है, मूल सिग्नल है जो हमने कहा है, जो हमने यहाँ से कहा हेलो, ये हमारा बेसिक सिग्नल है, ये साउंड एनर्जी के फॉर्म पे है। माइक्रोफोन के हेल्प से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो जितनी एनर्जी, जितना स्ट्रांग यहाँ पे उतना ही स्ट्रांग यहाँ पे होगा, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग सिग्नल नहीं होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस सिग्नल को भेजा जाता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कहते हैं बेसिक सिग्नल, ये वीक सिग्नल होता है, और इस सिग्नल को भेजा जाता है मॉड्यूलेटर में। और मॉड्यूलेटर का काम ये है कि इस बेसिक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देना। तो बेसिक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए मॉड्यूलेटर जो है इस बेसिक सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को
मिक्स कर देता है। मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मिक्स करने का। मिक्स किसे कर रहा है? हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को इस बेसिक सिग्नल में, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, लो है, उस सिग्नल के साथ मिक्स कर देता है। और इस तरह से जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक बार फिर से देखिए, मॉड्यूलेटर का काम क्या है? लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पे हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को मिक्स कर देना। तो इस तरह से ये जो बेसिक सिग्नल है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ये ज्यादा दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पे या बेसिक सिग्नल पे मॉड्यूलेटर के हेल्प से हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सुपरपोज किया जाता है और जो रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है और इस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है। अब ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है, जो हमें नया सिग्नल मिल रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी काफी बढ़ जाती है, उस सिग्नल को भेजा जाता है एम्पलीफायर में। उसका एम्पलीट्यूड अगर हमें बढ़ाना है, उसकी एनर्जी अगर हमें बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी काफी हाई हो चुकी है, उस सिग्नल को हम एम्पलीफायर में प्रवर्धक में भेज देते हैं और प्रवर्धक उसे क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पहुंच जाता है? इस ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास पहुंच जाता है। एम्पलीफाई होने के बाद, प्रवर्धित होने के बाद, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये कहाँ पहुंच जाता है? ट्रांसमिटिंग एंटीना पे, जिसे हम कहते हैं प्रेषित्र एंटीना, जहां से सिग्नल को हमें क्या किया जाता है, रिसीविंग एंटीना के पास भेजा जाता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पहुंच जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना पे। अब ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म पे। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये कहाँ चली जाती है? इस रिसीवर के द्वारा उसे कैच कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, इसे जैसे कहा जाता है अभिग्राही एंटीना। ट्रांसमीटर के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोपोगेट किया जा रहा है, संचरित किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस रिसीविंग एंटीना के थ्रू रिसीव कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। अब इस तरह से इस रिसीविंग एंटीना के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंच गया। अब ये रिसीविंग एंटीना क्या करता है? ये रिसीविंग एंटीना का काम है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आ रहा है, लेकिन एंटीना के माध्यम से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से ये जो रिसीविंग एंटीना है वो भी रिसीव कर रहा है किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और ये रिसीविंग एंटीना फिर से उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर से उसे ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये वही सिग्नल होता है जिसे हम मॉड्यूलेटर के थ्रू क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, एम्पलीफायर के थ्रू उसके एम्पलीट्यूड को, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ये वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह से इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब यहाँ पे तो हमें अपना बेसिक सिग्नल मिल नहीं रहा है, हमारा बेसिक सिग्नल क्या है, जो हमने कहा है हेलो, जो हमने हेलो कहा है ये हमारा बेसिक सिग्नल है, लेकिन जो हमें रिसीविंग एंटीना के थ्रू मिल रहा है ये हमारा बेसिक सिग्नल नहीं है, इसमें तो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी मिले हुए हैं, इसके एम्पलीट्यूड को, इसके एनर्जी को भी एम्पलीफायर के थ्रू क्या किया गया, बढ़ाया गया है। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज दिया जाता है डी मॉड्यूलेटर में। डी मॉड्यूलेटर को हम हिंदी में कहते हैं वी मॉड्यूलक। जो काम मॉड्यूलेटर करता है ये उसका अपोजिट काम करता है, ये क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। मॉड्यूलेटर जो है दो सिग्नलों को मिक्स कर देता है, सुपरपोज कर देता है, एक लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पे एक हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर देता है, मिक्स करता है, ये काम है मॉड्यूलेटर का। और जो डी मॉड्यूलेटर है ये हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को और बेसिक सिग्नल को अलग अलग कर देता है। तो इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अलग हो गया और जो बेसिक सिग्नल है हमारा, जो हमने हेलो कहा है, ये सिग्नल हमारा अलग हो गया। तो डी मॉड्यूलेटर के थ्रू बेसिक सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को अलग अलग कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो बेसिक सिग्नल है इसे डी मॉड्यूलेटर ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, किससे, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से, जिसे मॉड्यूलेटर ने मिक्स किया था। मॉड्यूलेटर का काम क्या था, इस लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो कि हमारा बेसिक सिग्नल था उसमें हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सुपरपोज कर देना, मिक्स कर देना। और डी मॉड्यूलेटर ने क्या किया, उसे अलग अलग कर दिया, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को अलग कर दिया और बेसिक सिग्नल जो कि हमने हेलो कहा था उसे उसने अलग कर दिया। अब ये जो सिग्नल है ये इतने स्पेस पार करके आया है, एक एंटीना से दूसरे एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ये रिसीविंग एंटीना तक आया है, इतना स्पेस उसने क्या किया, पार करके। तो ये जो हमारा बेसिक सिग्नल होता है ये काफ़ी वीक हो चुका होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है।
तो इस सिग्नल को फिर से एम्पलीफायर में भेजा जाता है। ये एम्पलीफायर इस सिग्नल को फिर से क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, प्रवर्धित कर देता है। और एम्पलीफाइड जो सिग्नल हमें मिलता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, और ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस लाउड स्पीकर में भेज दिया जाता है। देखिए, यहाँ से जो हमें बेसिक सिग्नल मिल रहा है ये काफ़ी वीक सिग्नल होता है, क्योंकि उसे इतना स्पेस ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। अब यहाँ से आते आते वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। तो जब ये सिग्नल हम एम्पलीफायर में भेजते हैं तब ये एम्पलीफिकेशन इसका होता है, इसका प्रवर्धन होता है, और वो एम्पलीफाइड सिग्नल, वो जो प्रवर्धित सिग्नल है, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, और इसे भेजा जाता है इस लाउड स्पीकर में। और ये लाउड स्पीकर क्या कर देता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम सुन सकते हैं। और ये उतनी ही फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है जितनी फ्रिक्वेंसी पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भेज रहे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, लाउड स्पीकर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे उसने साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी होता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा और आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम बात करते हैं फोन पे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ तो बहुत क्लियर अच्छे से जाती है, लेकिन सामने वाले की जो वॉइस है वो बहुत कम आती है, बहुत स्लो आती है, बहुत धीमी आवाज़ आती है। तो हम कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए। तो वहाँ पे होता क्या है, जब सिग्नल किसी डिस्टर्बेंस के कारण एम्पलीफाई नहीं हो पाता या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ नहीं पाती है एम्पलीफिकेशन के बाद भी, तो वो सिग्नल हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो हम यहाँ से हेलो 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 बोलते रहते, उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आता। वैसे ही होता है कि सामने वाला जो है हेलो हेलो बोलता है, हमें उसकी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, लेकिन जो हमें हमारी जो आवाज़ है वो उस तक नहीं पहुँच पाती। तो कई सारे ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जिसके कारण जितनी फ्रिक्वेंसी का हम यहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वही साउंड हमें यहाँ रिसीवर से प्राप्त नहीं हो पाता। कई ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो डीमॉड्यूलेटर है ये हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को और हमारे बेसिक सिग्नल को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। और ये जो बेसिक सिग्नल है ये बहुत वीक हो चुका होता है क्योंकि बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ चुका होता है। और इस बेसिक सिग्नल को, चूंकि ये बहुत वीक है, इसकी स्ट्रेंथ को अगर हमें बढ़ानी, इसको एनर्जी को हमें बढ़ाना है, तो हम उसे क्या करते हैं, एम्पलीफायर में भेजते हैं। और एम्पलीफायर इसे एम्पलीफिकेशन करता है, इसे एम्पलीफाइड, जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाउड स्पीकर में भेज दिया जाता है, जहां लाउड स्पीकर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और हम क्या कर पाते हैं, बहुत आसानी से उसे सुन पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में समझा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।